नमस्कार। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये लाइन मुझे लगता है चेस के लिए ही बनी है। और या फिर आप बोलिए कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप चेस खेलते हो तो जो सबसे एक्साइटिंग दौर होता है चेस का, वो खासकर जो जो ज़्यादातर क्लब प्लेयर्स को या फ्रेश प्लेयर्स को पसंद है या इवन सम स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को पसंद है, वो है अटैक वाला सेक्शन, राइट? जब आपके पास अटैकिंग पोजिशन होती है। लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ पे पसंद तो बहुत है सबको, लेकिन करना अटैक कैसे या फिर उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन पैटर्न्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ अटैक करूँगा और मूव दूंगा, ऐसा नहीं। उसमें कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक कोई रीज़न होना चाहिए, कुछ उसमें गोल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे पैटर्न्स होने चाहिए जो हमको पता होना ज़रूरी है, राइट? तो ज्यादातर लोगों के पास जब जब इस बात के लिए आती है तो वो मेनली उनके पास एक आता है तो ले दे के एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, राइट? अटैकिंग आइडियाज इन चेस अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए मुझे लगता है हमको समझना पड़ेगा कि अटैकिंग आइडियाज कैसे बनती है या किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना है, राइट? तो इस सेक्शन में जो मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, ये उसका फर्स्ट है। मैंने कोशिश की है कि एकदम बेसिक से लेकर मतलब स्टार्ट करें हम। और फर्स्ट जो है, पहले हम देखें कि मेटिंग पैटर्न्स के जो नाम है, मतलब अलग अलग मेटिंग पैटर्न्स को क्या बोलते हैं या उनमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, पहले वहां से स्टार्ट करें। फिर थोड़ा सा क्रिएटिवली कैसे अटैकिंग स्टाइल को अपनी डेवलप कर सकते हो आप, उन पर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इनिशियली मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार आपका वो जो बिगिनर वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाए तो वहां से हम आगे बढ़ने के लिए शुरू रहें। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है एनास्तासिया मेट। और चेस में अनास्तासिया मेट किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग शायद मुंह ढूंढ लेंगे इस पोजीशन में, लेकिन उसको क्या बोलते हैं या उसके उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर वो आपको पता होता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो नॉलेज है वो बोनस है, राइट? तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है ये सब आयुर्वेदिक है कि नुकसान तो कुछ नहीं है, पता है तो अच्छी बात ही है, राइट? तो हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं अभी अनास्तासिया मेट में कि क्या होने वाला है और दो तीन पोजिशन देखेंगे उसको समझने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पास जो है ऑब्वियसली अटैकिंग पॉसिबिलिटीज हैं, और खासकर अगर आप देखें तो ये जो बिशप है वो बहुत ही अच्छे डायगनल पे पड़ा हुआ है। ब्लैक का कोशिश ये था कि नाइट सी फाइव आके नाइट डी थ्री को एक्सचेंज कर दे, और अगर ये बिशप नहीं रहेगा तो किंग साइड अटैक करना इतना आसान नहीं रहेगा, राइट? तो अगर आप रुक एच थ्री जैसे मूव सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बिशप वो मरने वाला है। नाइट एफ फाइव डायरेक्टली एक ऑप्शन है जहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन शायद वो भी नहीं वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर एक वाइट के पास बहुत ही प्यारा मूव है विच इज बिशप कट एच सेवन, बिकॉज यहाँ पे किंग कट एच सेवन के पास बाद रुक एच थ्री आ रहा है, किंग जी एट। ऑब्वियसली आप किंग ऊपर नहीं ला सकते थे, यहाँ पे किंग जी सिक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि किंग जो है वो जब अपने पॉन चेन, मतलब जो बेस पॉन है उसका पॉन चेन है, वहां से अगर ऊपर आ जाता है एक घर तो आप एक पीस डाउन खेल सकते हो। अगर वो और ऊपर आ जाता है कहीं और, मुझे लगता है ज्यादा आप माइनर मेजर पीस डाउन या फिर कभी कभी आप दो पीस डाउन भी खेल सकते हो, राइट? किंग जितना ऊपर आएगा मिडल गेम में उतना ज्यादा रिस्क रहेंगे उसको, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकती थी उसके लिए, इसीलिए किंग जी एट जाना जरूरी था। और यहाँ पर जो है वाइट के पास एक बहुत अच्छा मूव है विच इज नाइट एफ फाइव, बिकॉज नाइट एफ फाइव में हो ही रहा है कि ब्लैक जो है वो क्वीन जी फाइव खेल देगा, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना जरूरी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज नाइट एफ वाई के बाद भी ये पोजीशन इतना इजी नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक है विच इज कि नॉर्मली अगर आप क्वीन एच वाई खेलोगे तो वो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा और मेजर पीसेस एक्सचेंज नहीं करने चाहिए ऐसे वक्त, लेकिन यहाँ पर वो चल रहा है। कैसे हम देखते हैं, ऑब्वियसली अगर आप इसको मारते हो क्वीन इंटू एच फाइव तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर आप रुक इंटू एच फाइव मारोगे तो नाइट मर रहा है, लेकिन नाइट ई सेवन चेक आ रहा है यहाँ पे, और इस एक इंटरमीडिएट मूव ने सब कुछ चेंज कर दिया वाइट के लिए। और मुझे लगता है ऐसे कैलकुलेशन करना अब बहुत ही जरूरी होता है जब आप चेस खेलते हो तो। और यहाँ पर ब्लैक के पास एक ही मूव है विच इज किंग एच सेवन, ऑब्वियसली एच एट भी है लेकिन उससे रिजल्ट कुछ चेंज नहीं होता, और रुक इनटू एच फाइव। और ये ही जो पैटर्न है चेस में, जैसे नाइट ई सेवन चेक आया है और ब्लैक ने, ब्लैक के दोनों स्क्वायर नाइट ने रोक के रखे हैं, और पॉन जो है वो खुद ही किंग को रोक के बैठा है और रुक एच फाइव से आके मेट कर देता है। इसी को ही चेस में जो मेटिंग पैटर्न्स है उनमें से अनस्तासिया मेट नाम दिया हुआ है।
और सभी लोग इसी से उसको पता करते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि हायर प्लेयर्स को भी नहीं पता होता है नाम क्या है, या उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर आपको मूव्स आ रही हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको नाम पता है तो ये जो है आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है, बोनस नॉलेज है वो, और वो बहुत जरूरी है, राइट। हम लोग सेकेंड पोजिशन देखते हैं यहाँ पे। अभी आप इस पोजीशन में देखिए कि जैसे मैंने बोला ना कि पैटर्न्स की बात है एक्चुअली ये, जब जब आपको पता होता है कि जो जो मेटिंग पैटर्न है उसको क्या बोलते हैं, और आपको उसके थोड़े बेसिक आइडियाज पता है, और आप उसमें से आपने सेम थीम पे वर्कआउट किया है कि आपके पास कुछ पोजीशंस और भी है जो आपने सॉल्व किया है, एक पोजीशन से नहीं होने वाला ये, राइट। तो आपको बहुत सारे पोजीशंस करने पड़ेंगे। हम दो पोजीशंस देखने वाले हैं आज इस पे, सिर्फ ये समझने के लिए कि उस मेट को क्या क्या बोलते हैं और उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिमिलर आइडियाज हैं। H7 इस बार फिर से प्रॉब्लम में, रूक H1 अगर आप आओगे तो वो एक लूज मूव होंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो व्हाइट के पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, विच इज कि अगर उसका नाइट E7 सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर से वैसा ही पोजिशन आ जाएगा, किंग H8 क्वीन H7 और फिर रुक H1 मार के मेट हो रही है। एक ही दिक्कत है, ये जो क्वीन है वो मेन डिफेंडर है और उसको ही हमको हटाना है, राइट। मतलब जैसे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन, राइट, मतलब चेंजिंग द पाथ ऑफ डिफेंडर। मतलब जो मेन डिफेंडर है उसको आप अगर नहीं हटा सकते हो, मार नहीं सकते हो, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए एक मूव के लिए, ताकि आपका काम हो जाए, राइट। तो यहाँ पर उसको देखते हुए लॉजिकली यहाँ पे मुझे लगता है आपने गेस कर दिया होगा, मूव मूव Bb5 आ रहा है, क्योंकि Bb5 में क्या हो रहा है, ये एक्चुअली आप देखिए कि H7 से B5² कनेक्टेड है, राइट। क्योंकि इसका पूरा जो मुश्किल है वो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि क्वीन को आप और कहीं जा नहीं सकते हो, 97 चेक आ ही रहा है, अदरवाइज आपका क्वीन मरने वाला है। और अगर आप क्वीन इनटू B5 मारते हो तो सेम टू सेम आइडिया जो लास्ट पोजिशन में आई थी, नाइट E7 किंग H8 एंड देन क्वीन कट H5 क्वीन कट H7 किंग कट H7 फॉलोड बाय रुक H1, और इसी को ही अनस्तासिया मेट बोलते हैं। मेटिंग पैटर्न्स को हम देखने वाले हैं अलग अलग जितने भी हैं, और फिर हम उसके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, अटैकिंग आइडियाज हैं चेस में, उनको वन बाय वन देखेंगे। जैसे ग्रीक गिफ्ट होता है और बहुत सारे होते हैं, उनको हम धीरे धीरे देखने वाले हैं, राइट। इसके अलावा मैंने एक ट्रैप की सीरीज स्टार्ट की थी हाल ही में, जो बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो भी आप देख सकते हो। और कोशिश करिए कि जैसे मैंने ये किया था कारोकान और बुडापेस्ट गैम्बिट पे ट्रैप्स थे, तो वो भी एक बहुत प्यारा वीडियो है उसमें। अगर आपको लगता है कि उसमें और भी सजेशन है, जैसे इसमें भी आपको अगर कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँ। लेकिन ये जो सीरीज है अटैकिंग आइडियाज इन चेस, ये मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है सभी लेवल के प्लेयर्स के लिए, राइट। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बाय।